ये ब्यूटीफुल प्रिया बनर्जी आज हमारे साथ हैं, जिनका मैं बहुत ही बेकाबू से इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पर आए एंड हम इंटरव्यू स्टार्ट करें। फाइनली स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस बेकाबू का? बहुत ही अच्छा रहा। इनफैक्ट कि मैं तो बेकाबू फैमिली से ही हूँ, मैंने पहली सीजन भी उसमें मैं थी, विच बिकेम अ ह्यूज हिट, बहुत बड़ी हिट हुई। दैट्स व्हाई सीजन टू स्केल और भी ज़्यादा बढ़ गया है, थ्रिल बढ़ गया है, सस्पेंस बढ़ गए हैं, एक्टर्स है बहुत ज़्यादा, बहुत ग्लॉसी है, बहुत ग्लैमरस है इस बार बेकाबू। सो बहुत ही एक्साइटेड थी मैं। इनफैक्ट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी कि जब स्क्रिप्टिंग हो रही थी, राइटर्स साथ में, अक्षय चौबे जो पहले हमारे डायरेक्टर अभी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सब साथ में बैठ के यू नो राइटिंग कर रहे थे। लॉकडाउन में चल रहा था इनका जब वो सब प्लानिंग, तो आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। लकीली आई वुड यू नो मुझे भी इन्वाइट करते थे जूम कॉल में, मैं भी उनके साथ बैठती थी। सो आई वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड एंड आई न्यू दैट कि ये वाला बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बिकॉज देयर इज वे मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दिस वन। आई विश कि बहुत ही बढ़िया होने वाला। और मैं आपको बता दूं कि आज प्रिया जी आपको बताएंगी कि वो ऐसा कौन कौन सा मौका होता है जब प्रिया जी बहुत ही बेकाबू हो जाती है। कौन कौन से मौके पे? मेरी लाइफ में एक ही मौका है जब भी मैं बेकाबू होती हूँ, वो खाने के लिए होती हूँ। रियली? हाँ, बिरयानी, फरीदा की बिरयानी के लिए। फरीदा जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है, वो हर बार सेट पे मेरे लिए बिरयानी बना के लेके, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे सेट के लिए बना के लेके आती है। वो मेरा सबसे ज्यादा बेकाबू मोमेंट होता है बिरयानी के लिए। आई विश कि जल्दी हम फरीदा जी की भी बिरयानी खाएंगे। सब खाएंगे। सो यू नो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, सभी हर किसी ने आपकी तारीफ की, तो अगर आप बता सके कि कैसा रहा सभी के साथ का एक्सपीरियंस शूटिंग का? बहुत ही अच्छा लगा। सैडली यू नो हमारा शूटिंग का जो स्केड्यूल था इतना हेक्टिक था। आई वॉज लिसनिंग टू पॉलमी गिविंग द इंटरव्यू एज वेल कि इट वॉज वेरी हेक्टिक। टाइम क्रंच में था, एक टाइम मार्च में रिलीज करना था, फेब में पहले रिलीज होने वाला था। सो वी हैड टू फिनिश शूट और इतने सारे एक्टर्स थे, दो दो यूनिट लगे होते थे हमारे एंड वी वर शूटिंग डे इन एंड डे आउट। मतलब 16-17 घंटा कभी कभी दिन में हम लोग शूट करते थे। इट वॉज एग्जॉस्टिंग बिकॉज वी हैड टू फिनिश एंड लुक गुड, यू नो। सो हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम सब यू नो साथ में मिलके चिल करें थोड़ा पैकअप के बाद, ऐसा बॉन्डिंग का अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला। बट लकीली बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं। जैसे पॉलोमी के साथ मैंने बारिश की हुई, बारिश 1, बारिश 2 उसमें भी थी पॉलोमी। ताहा को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। सो लकीली आई वॉज वर्किंग विथ फ्रेंड्स, सुबह उनके साथ पहली बार था मेरा एंड वी वर प्लेइंग बेस्ट फ्रेंड्स। आई मीन अनायशा और कश्ती का जो केमिस्ट्री है, दे लाइक फ्रेंड्स, वो अच्छा आया बिकॉज आई कनेक्टेड विथ सुबह राइड अवे बिकॉज शी सच अ स्वीट बबली हैप्पी गो लकी गर्ल। सो शी वॉज ओनली वन हु आई डिडंट नो फ्रॉम बिफोर। ताहिर को भी मैं पहले से जानती हूँ। सो वी बॉन्डेड रियली वेल ऑन सेट। अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट द टाइम टू बॉन्ड ऑफ सेट बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल, हेक्टिक स्केड्यूल। बट आई एम होपिंग कि अब जब डबिंग होगी, रिलीज होने वाला है, तो अब थोड़ा टाइम मिलेगा हमें चिल करने का। बिल्कुल चिल करने का। एंड आई थिंक मैं आपको बता दूं कि काम को भी लेकर बहुत ही, अपने काम को लेकर बहुत ही बेकाबू रहती हैं ये। सो बैक टू बैक शूटिंग चल रही है सारी दुनिया, अगर पैंडेमिक में है, लॉकडाउन में है, सो प्रिया जी एक विलेन का भी किरदार करने वाली हैं। वो कर चुकी हूँ, साउथ में था वो। हाँ हाँ हाँ। तो अब बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ऐसे डिफरेंट अंदाज में जो आप अपने आप को प्रेजेंट करें? कभी आप मुझे डिफरेंट चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई हैव हर एक शो में मेरा, बारिश में देख लीजिए, वहाँ बहुत डिफरेंट रोल था मेरा। ढीत पतंगे जो भी रिलीज़ हुई लास्ट ईयर, उसमें मैंने कश्मीरी बुरखा पहन के यू नो एंड ऑल ऑफ दैट, वेरी डिफरेंट, स्वीट, काम। फिर ट्विस्टेड जिसमें यू नो कॉर्पोरेट वुमेन, वेरी यू नो एम्बिशियस, गो गेटर, जो चाहिए उसे कैसे हासिल करना है जानती है। फिर साउथ में मैंने अभी तमन्ना के साथ एक शो ख़त्म किया जहाँ पे आई एम प्लेइंग द एंटागनिस्ट एंड शी इज़ अ प्रोटैगनिस्ट। सो अगेन बेकाबू कश्ती, यू नो, बट दिस टाइम यू विल सी अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ कश्ती। लाइक लास्ट में वो रिवेंज के लिए एकदम पहले सीजन में, यू नो, देखिए आपने पहली सीजन बेकाबू की, सो रिमेंबर हाउ कश्ती वाज साइकोटिक, उसको रिवेंज के लिए वो थी। दिस टाइम शी इज़ वेरी लिटिल, शी इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन। शी इज़ मच मोर कामर, शी इज़ लिविंग अ लाइफ, शी हैज़ हर ओन कैफे। मतलब वो कश्ती आपको डिफरेंट लाइट में दिखेगी अभी रिवेंज उस पर होने वाला है कियान का।
So again, very different characters I've luckily gotten to play throughout the year. Yeah. So जल्दी Alt वाला जी पे streaming होने वाला है and season one आप लोगों ने बहुत ही appreciate किया. तो ऐसे pressure कुछ बढ़ जाता है रिया जी के लिए कि season बहुत ज़्यादा pressure बढ़ जाता है. आपके काम को तो मैंने notice किया back to back लोग appreciate कर रहे हैं, चाहे वो बारिश की बात करो. बेकाबू बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज फर्स्ट वन मुझे अभी भी याद है और अब तक मुझे मैसेजेस होते हैं मॉबिंग जहाँ भी बाहर जाती हूँ. कश्ती के नाम से जानते हैं लोग मुझे बिकॉज लोगों को इतना पसंद आया यू नो द कैरेक्टर ऑफ कश्ती. एंड उस टाइम जब आई रिमेंबर बेकाबू सीजन वन रिलीज हुई थी this whole Me Too thing was happening. And if you look at, like if you watch Bekaboo, by the end of it, you'll realize it's a very feminist show. Like, बहुत ही feminist show है जहाँ एक लड़के पे revenge लिया जाता है, लड़कियाँ मिलके revenge लेती है जहाँ पे उस लड़के ने गलत काम किए हैं. So, वो जमाना जल्दी आने वाला है. वो जमाना आ गया है, आ गया है, वही जमाना चल रहा है. तो वही हुआ था बेकाबू सीजन वन में जो काम कर गया एंड एवरीबडी लव्ड इट. एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं जहाँ भी जाती थी वुमेन पावर फिस्ट पम्प दे रहे हैं सब मुझे कश्ती वुमेन पावर. मैंने कहा अरे वाह लाइक यू नो दे सॉ द फेमिनिस्ट एंगल ऑफ द शो. सो दिस टाइम आई होप लड़कियों को पसंद आया. इस बार लड़कियों पर रिवेंज होने वाला है लड़के का. रेडी हो जाइए, लड़के का रिवेंज है इस बार. फेमिनिस्ट सुनना कितना पसंद करती हैं? सुनना वैसे मैं हूँ बट ऐसा आई एम नॉट अ यू नो ऐसे फेमिनिज्म के नाम पे आजकल मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को फेमिनिज्म बना रहे हैं. फेमिनिस्ट इज बीइंग अ फेमिनिस्ट इज नॉट अबाउट पुटिंग अ मैन डाउन. ऐसा नहीं कि आप एक लड़की को गाली दो या फिर यू नो दैट डजंट मेक यू अ फेमिनिस्ट. फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी कि पे अगर आप सेम काम कर रहे हो एक लड़के की तरह तो आपका पे सेम होना चाहिए. पेमेंट्स रिस्पेक्ट you know ye sab hai feminism to get to the same point as men can get. It's not about putting the men down or you know making them feel bad about stuff. So I think feminism ka agar right use kiya jaye ladke aur ladkiyan milke they can reach the right goal. Kya baat hai, bahut gyan wali baatein karti hain priya ji hamare saath mein. So jaldi I think kuch hi ghante mein streaming hone wala hai 7:30 yes. To agar aap bata sake apne fans ke liye agar aap ki jald jaye bekaboo hokar streaming जी बेकाबू होकर जाके बेकाबू देखिए बिंज वॉच कीजिए. इट्स अ वेरी गुड शो. इट हैज़ अ लॉट ऑफ सस्पेंस अ लॉट ऑफ थ्रिल. एंड तक आपको नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है शो में. इट विल ऑलवेज लीव यू विद अ क्लिफ हैंगर एकदम लास्ट एपिसोड में. हर एक एपिसोड में आपको लगेगा अरे अब क्या होने वाला है. सो प्लीज़ गो वॉच इट. वी वर्कड रियली हार्ड. इट्स अ गुड लुकिंग शो. आरम जो हमारे डायरेक्टर हैं ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. अर्जुन सोरते जो हमारे DOP है ही हैज़ ऑल्सो मेड इट लुक like glossy, gorgeous, beautiful. Like it has, he has increased the production value of the show for sure. So in fact Aram ke sath maine jamai bhi ki, jamai 2.0, wo bhi mere wahan pe bhi mere director the. So back to back show kiya humne. So please go watch it. Show us some love, give us your support, and it's streaming from 7:30 on Alt Balaji. And I don't know aapke fans ko kitna pata hai ya nahi ki ye Priya ji bahut hi acha gana bhi gaati hain. तो अगर आप बता सके कि इन दिनों आपका कौन सा फेवरेट है जब भी आप घर में फ्री होती हैं ट्रैवलिंग करती हैं. इन दिनों कहाँ मैं पुराने गाने गाती हूँ यार. आपको पता है मैं पुराने मतलब आदिवासी जमाने के लता मंगेशकर के गाने गाती हूँ. मुझे नए गाने नहीं आते. कौन सा है अभी आपका फेवरेट? गाने सुनने में बहुत फेवरेट है. गाने गुनगुनाने में मैं वही पुराने गाने गुनगुनाने में मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं. पुराने गाने गाऊंगी लोग बोर हो जाएंगे. नहीं नहीं मैं नहीं बोर होने वाला. आई थिंक ऑडियंस बहुत स्मार्ट है वो नहीं बोर होते. करिया सुन चुकी है मेरा गाना पहले. कौन सा वाला? आओ हुजूर गाऊं? ओह वाओ बहुत ही अच्छे से गाऊं. अच्छा ठीक है अच्छा ओके. ओह माय गॉड ओके. आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं. आओ हुजूर आओ. क्या बात है. आई विश कि जल्दी
सिंगिंग की दुनिया में भी प्रिया जी डेब्यू है ना, कोई दे दो मुझे यार ब्रेक, गाना है मुझे। एकता जी आप ये इंटरव्यू जरूर सुनेंगी, आज नहीं तो कल, सो सोचना पड़ेगा कुछ उनके नेक्स्ट बेकाबू 3 में मैं थीम सॉन्ग गाऊंगी। थैंक यू सो मच करने के लिए, एंड आई विश कि आप बेकाबू 3 में गाना गाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।